क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए लिफ्टिंग और ब्रिंगिंग, लिफ्ट करना उठाना, ब्रिंगिंग ऑफ ए मास 1 kg। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा 1 kg, ओके। फिर क्या कह रहा है, टू ए हाइट 4 मीटर, मान लीजिए इसको 4 मीटर हाइट पे लिफ्ट किया जाता है, उठाया जा रहा है, तो हाइट की वैल्यू होगी 4 मीटर। और जी की वैल्यू दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका इसके जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स जो वर्क कर रहा है, इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, वर्क कह दें या ईपी कह दें, एक ही चीज़ है, फॉर्मूला एमजीएच होता है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मास की वैल्यू है 1 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट अपने पास 4 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो 10 वन जा 10 और 10 4 जा 40, और इसकी यूनिट हो जाती है जूल। तो अपन को इस 1 kg मास को 4 मीटर हाइट पे लिफ्ट करने पे 40 जूल का वर्क करना होगा, या इतनी एनर्जी स्पेंड करनी होगी। तो ये 40 जूल अपने पास डी ऑप्शन में है, ठीक है, 4 जूल 1 जूल 20 जूल, तो 40 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ इज। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, यदि उसको अपवर्ड से डाउनवर्ड गिराया जाता है, और फ्रीली गिराया जाता है, उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करा, फ्रीली जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की साइड में, तो उस समय उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, रिमेन कॉन्स्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज बिकम जीरो रिमेन कॉन्स्टेंट, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 7th में, रिमेन कॉन्स्टेंट, ये फिक्स होती है रूल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम ट्वाइस दैट व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ट्वाइस का मीन्स है जस्ट डबल, ठीक है, ट्वाइस का मीन्स है जस्ट डबल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए इसको अपन प्रूव करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ओके। कह रहा है देखिए, अपने को कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसकी वेलोसिटी की बता रखी है बस ट्वाइस होती है, ना तो मास दे रखा है अपने को, ठीक है, और कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो वेलोसिटी की वैल्यू अपने को दे रखी है वी बराबर जस्ट ट्वाइस, इससे जस्ट डबल 2v हो जाएगी, वी से जस्ट डबल क्या हो जाएगा 2v हो जाएगी, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2v, तो मास भी नहीं दे रखा है, वी की जगह आप क्या राइट कर दें 2v², ठीक है। आगे सोल्व करें इसे, 1/2 m, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v, ठीक है। इस वैल्यू से अपन ये 4 है, आगे निकाल लें कॉमन इसको, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1/2 m, 1/2 mv², ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है फॉर्मूला के तहत 1/2 mv², तो इसको अपन कांस्टेंट मान लें, तो e के बराबर क्या हो जाएगा 4, कांस्टेंट का साइन k यूज कर रहे हैं 4k, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की, वो हो जाएगी 4 times, क्या हो जाएगी 4 times, तो 4 पे अपने को टिक कर लेना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, ये नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन है 1/2, ये भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है 2 times, ये भी नहीं होगा, 4 times डी, तो इस पर डी टिक कर लेंगे 4 times, क्योंकि अपना जो आंसर आया ई के का वो आया है 4k। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अपने को वेलोसिटी दे रखी कि वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जस्ट ट्वाइस हो जाती उस पहले वाली वेलोसिटी से, तो इस पहले वाली वेलोसिटी वी होगी, तो इससे जस्ट डबल क्या हो जाएगी 2v, तो v की वैल्यू अपने पास 2v दे रखी है, इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो 2v² 4v² हो जाएगा, 4 को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो 1/2 mv², और 1/2 mv² एक वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है, फिक्स है, तो इसको k मान लिया और 4 आ गया, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 times, तो डी ऑप्शन अपन टिक कर लेंगे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था
किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर, मेगावाट हॉर्स पावर, ठीक है, तो जूल नहीं होगी, जूल वर्क की यूनिट होती है, वाट सेकंड, वाट पावर की होती है लेकिन सेकंड दे रखा है, ये भी नहीं होगा, किलोवाट आवर ये हो सकता है, यही होगा आंसर, किलोवाट पर आवर नहीं होता, किलोवाट आवर होता है, के डब्ल्यू एच, क्या होता है, के डब्ल्यू एच, तो किलोवाट आवर होगा न कि पर आवर, ओके, तो इसमें सी ऑप्शन टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है स्प्रिंग की, ठीक है, इफ़ द कंप्रेस टू डिस्टेंस एक्स, मीन पोजिशन ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब अपन एक स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं, मान ली ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को अपन ने क्या करा, यहाँ से फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस्ड हो गई, ये क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है, कंप्रेस्ड हुई, देखिए कितनी हुई इसका, ये यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ गई और ये एक्स अपन ने इसको कंप्रेस कर दिया, एक्स वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कंप्रेस कर दिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको निकालनी ई पी, तो आपको मैंने बताया था ऐसे में ई पी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के लिए, ई पी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखी है बी ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा के एक्स भी नहीं होगा, के एक्स स्क्वायर भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर होंगे होंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन 10 तक। फिर नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्क एंड राइट इट्स यूनिट, मैंने आपको वर्क की डेफिनेशन भी राइट कराई थी, इसकी यूनिट जो जूल होती है वो भी मैंने राइट कराया था, आपको मैंने ये बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है, तो वहाँ वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, जब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाया जाता है और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वहाँ वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है, डब्ल्यू बराबर माइनस एफ एस, ठीक है, ये आपको राइट कर लेना है और यूनिट आपको जूल राइट कर देना है, शॉर्ट में इसको जी से कंसिडर्ड करते हैं, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, ये सब मैंने नोट्स में पीडीएफ में राइट करके आपको भेजा था, वही आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एनर्जी, राइट इट्स यूनिट, एनर्जी क्या है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने बताई थी, यूनिट भी बताई थी, देखिए एनर्जी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन कि वर्क करने की कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है, वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी होती है, इसकी यूनिट होती है, सेम यूनिट होती है वर्क जैसे ही जूल, क्या होती है, जूल, और शॉर्ट में जे से कंसीडर करते हैं, कर लेंगे आप। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको काइनेटिक वेलोसिटी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन मैंने राइट कराई थी, एग्जाम्पल भी राइट करवाए थे, जैसे कोई भी वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उसमें भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है, जैसे रिवर है, रिवर पानी बह रहा है, तो आप उसमें बीच में खड़े होंगे तो रिवर का पानी आप पे क्या करेगा, धक्का लगाएगा, वो एनर्जी, वो पावर, वो ही क्या है, काइनेटिक वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है। बहती हुई हवा होती है, विंड ब्लो करती है, तो उसमें भी क्या रहती है, एनर्जी होती है, और वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, विथ एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन राइट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको राइट कराई थी, जब ये मैकेनिकल एनर्जी का सेकंड टाइप था, फर्स्ट टाइप काइनेटिक एनर्जी, सेकंड टाइप पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने राइट कराया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे जब उसकी पोजीशन चेंज कर देता है, ऑब्जेक्ट की जब अपन क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसके एग्जांपल मैंने बताया था आपको, स्लिंग शॉट था, एरोबो था, इसके अलावा स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें या इलोंगेटेड करें तो उसको जैसे ही रिलीव करते हैं तो उसमें एक एनर्जी का स्टोर हो जाती है और उसकी वजह से स्प्रिंग बार बार हिलने लगती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल था। इसकी यूनिट भी सेम थी, जूल थी, शॉर्ट में जैसे कंसिडर करते हैं, फॉर्मूला ई पी बराबर एम जी एच करवाया था, इसमें राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ये भी मैंने आपको राइट कराया था,
जो एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है ये कहता है कि होल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या रहती है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। उस वैल्यू को आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते तो डिक्रीज भी नहीं कर सकते, इसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ। तो डिक्रीज भी नहीं कर सकते मतलब उस एनर्जी के लेवल को आप डिक्रीज भी नहीं कर सकते और इंक्रीज भी नहीं कर सकते, वो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को क्या कहा था अपन ने, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसके बारे में आप राइट कर लीजिएगा, फोर लाइंस मैंने राइट करवाई थी आपको, वो फोर लाइंस आ जाएंगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द वेरियस फॉर्म इन विच एनर्जी इज डिसिपिएटेड। देखिए एनर्जी किस किस फॉर्म में डिसिपिएटेड होती है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कुछ उसका क्वांटिटी क्या होती है, साउंड में, साउंड एनर्जी में डिसिपिएटेड हो जाती है, कुछ क्वांटिटी हीट में, वो वायर गर्म होती है तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी की क्वांटिटी हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, डिसिपिएटेड हो जाती है, क्षति, डिसिपिएटेड का मीन्स क्षति, कमी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में क्या हो जाती है, डिसिपिएटेड हो जाती है। तो लाइट, हीट और साउंड, इन थ्री फॉर्म्स में वो क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपिएटेड हो रही है, उसकी क्षति हो रही है, कमी हो रही है। तो आप राइट कर लीजिएगा थ्री फॉर्म्स, हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में, ये ख्याल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम हैविंग 100% इफिशियंसी। क्या आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो प्योरली 100% इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें? तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस किसी ने कंस्ट्रक्टेड नहीं किया है अभी तक, फिलहाल प्रेजेंट टाइम तक, जिसमें 100% पावर यूज हो, क्योंकि उस जो पावर यूज हो रही है वो कुछ, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या करता है, हीट के फॉर्म में उसको क्या कर देता है, डिसिपिएटेड कर देता है एटमॉस्फेयर में, कुछ लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। तो ये क्या है, अपने को 100% इफिशियंसी वाला सिस्टम अभी तक कंस्ट्रक्टेड नहीं हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर में राइट कर दीजिएगा नो, नो इज इट नॉट पॉसिबल, इज कंस्ट्रक्टेड ए सिस्टम हैविंग 100% इफिशियंसी, ओके, तो नो करके आप राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी राइट कराई थी कि जो चार्ज होता है, चार्ज फ्लो होने की रेट पर सेकेंड कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई बराबर क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला भी राइट कराया था, यूनिट एम्पियर राइट कराई थी, चैप्टर नंबर 10 में भी था ये, तो वो आपको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। आपको थ्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के नेम राइट करने हैं, कोई भी थ्री हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, फैन, बल्ब, ठीक है, कूलर, एसी, टीवी, तो एनी आपको क्या राइट करने है, थ्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के नेम राइट करने, कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पावर, राइट ऑफ यूनिट ऑफ पावर। पावर की डेफिनेशन भी मैंने राइट कराई थी, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या थी, वॉट थी, तो वो टू लाइंस में हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, सो आप बुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।